जो इस आश्रम का मास्टरमाइंड है, जो बाहर से पैसा फॉरनर से प्रोवाइड कराता है, सारा काम वही करता है, मार्केटिंग का काम करता है वो। लेकिन वो फ्रॉड है, फरार है। वो आदमी साउथ मैंगलोर का है, लेकिन उड़ीसा में उसका भी डिवोर्स केस चल रहा है, उसका बीवी छोड़ दिया। काशीनाथ मिश्रा जिसका बॉयकुंठ धाम में, मिश्रा जी हैं जिसका बॉयकुंठ धाम में आश्रम है, उस आश्रम में मेरे वाइफ को मैं 4 साल हो गया वो उसके अंदर था, और अभी 9 महीने से वो मुझे मिल नहीं रहा है। और उन लोगों ने उनका माइंड वॉश करके एक मेरे को डिवोर्स केस फाइल कर दिया उस साइड से, बिकॉज फॉर देट, क्योंकि मुझे आश्रम का कोई चीज़ पता चल गया, कुछ एविडेंस मेरे पास है। मुझे आश्रम का बहुत कुछ पता है, मेरे पास काफ़ी एविडेंस भी है उनके आश्रम का। क्या क्या एविडेंस है यार? मेरे पास एविडेंस है, मेरा बीबी को मैं, हाँ, मेरे वाइफ का कुछ एविडेंस मैंने रखा हुआ है, कुछ कृष्णानंद प्रभु का, उसके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कृष्णानंद प्रभु से, वो सब एविडेंस है। और ये जो टिकट करके दिल्ली वैली लोग जाते थे लड़कियों को, जो भी, उसका भी कुछ एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि उसका माइंड यहाँ से किसी ने बोल के, वो भगवान को थोड़ा ज़्यादा मानती है, तो इन लोगों ने कहीं से इसको ट्रैप कर लिया, कि देख लिया कि ज़्यादा भक्ति भक्ति वाला है, किसी को भेज के यहाँ पे उसको शिफ्ट कर लिया खोंडागिरी की, यहाँ पे प्रभु है, खुद नारायण जन्म लिए हैं, ऐसा कुछ बोल के। क्योंकि वो वहीं रहता था ना, वहीं रहता था, तब मैंने काशीनाथ जी को भी बोला था कि मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने उनके मोबाइल में कुछ देखा, के कृष्णानंद प्रभु, जो इस आश्रम का मास्टरमाइंड है, जो बाहर से पैसा फॉरनर्स से प्रोवाइड कराता है, सारा काम वही करता है, मार्केटिंग का काम करता है वो, लेकिन वो फ्रॉड है, फरार है। वो पहले श्री श्री रविशंकर में था, वहाँ से उसे निकाला गया है। वो आदमी साउथ मैंगलोर का है, लेकिन उड़ीसा में उसका भी डिवोर्स केस चल रहा है, उसका बीवी छोड़ दिया है। नियर अबाउट उसका 48 एज है उसका, और उसका अभी 2018 में शादी किया है वो। हाँ, मेरे को कुछ उन्होंने इस टाइप से रकम का डिमांड किया था, जो मेंशन किया है मैंने, 2 लाख। मैं 50,000 कृष्णानंद प्रभु को दिया था, मैं दिया था केस। मेरे साथ मेरा एक बंदा भी गया था, जब मैंने उसको केस दिया था, वो कुछ महावीर जयंती था, तब मैं उनके आश्रम गया था उसको समझाने। एविडेंस उसका छड़ मेरे से लेने का है, कुछ रीजंस है। अरे, वो जब मोबाइल देख लिया तो भगा के ले गया ना वो। मैं एक्चुअली उनके सारे लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, 9 महीने से कांटेक्ट कर रहा हूँ कि वो कहाँ है, कहाँ है, वो लोग बता नहीं रहे हैं कोई भी। बस जब जिस दिन ये चीज़ पता चला, वो कृष्णा को भी घर भेज दिया और इसको भी घर भेज दिया दिखाने के लिए। मेरा डिमांड ये है कि काशीनाथ मिश्रा और उनके टीम से बोले, और कृष्णानंदो प्रभु को कहीं भी हो उसको ढूंढ के निकाले। मेरे पास उसका मोबाइल में कुछ होटल्स के कुछ वीडियो हैं, होटल के कुछ वीडियो नहीं है, होटल का कुछ है मेरे पास, उनके आधार कार्ड वगैरह। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आ नहीं सकती, अब तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, क्योंकि उसको पता चल गया कि कुछ भी हो, एक रैकेट में फंसा है, तो वो कभी भी डरेगी ना अभी आने के लिए। लेकिन मैं अभी तक उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरा वाइफ हो, तुम्हारा 1,000 गलती भी माफ़ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम वापस आओ, मुझे अपना लाइफ जीना है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।